हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ तानिया वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन तो फिर मैं हाजिर हुआ एक नए वीडियो के साथ वीडियो का टाइटल मैं पढ़ के बताती हूँ पेट्रोल विल बिकम चीपर बाय रुपीज़ नाइन पॉइंट फाइव गवर्नमेंट विल गेट हिट बाय वन लाख रुपीज़ करोड़ बर्डन तो ये वर्ड अफेयर्स की वीडियो है आप सबको ये पता हो गया गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है पेट्रोल डीजल और एल पी के प्राइस में तो इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है जो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वहाँ जाके इस चैनल को भी सपोर्ट करिए और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं फिर इस बारे में डिस्कशन करेंगे सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स मैं प्रशांत धवन आओ भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है एक ऐसा फैसला जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बर्डन आ जाएगा गवर्नमेंट पर मगर फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि पीपल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस और इसी वजह से सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है जो लगाई जाती है पेट्रोल पर डीजल पर यह आठ रुपये और छः रुपये कम कर दी है इसका रिजल्ट आपको ये रहेगा कि हर जगह पेट्रोल साढ़े नौ रुपये आराम से सस्ता हो सकता है हाँ ये अलग बात है कि अगर मान लो कोई राज्य है कोई यूनियन टेरेट्री है ये बेनिफिट लोगों तक पहुंचाई ही ना वो सोचे कि थोड़ा बहुत अपना रेवेन्यू अभी के लिए सही कर लेते हैं वो अलग बात है मगर हर राज्य में आराम से नौ साढ़े नौ रुपए आराम से पेट्रोल सस्ता हो सकता है पर आप देख पाओगे हमारी वित्त मंत्री की ट्वीट है वी आर रिड्यूसिंग सेंट्रल ड्यूटी ऑन पेट्रोल इसका इम्पैक्ट आपको ये दिखेगा कि दिस विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल बाय नाइन पर लीटर एंड डीजल बाय सेवन पर लीटर इसका झटका सरकार को कितना लगेगा तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने लिखा है कि इट विल हैव ए रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ वन लाख करोड़ रुपीज फॉर द गवर्नमेंट मतलब की रफली आप कह लीजिए सरकार ने इस एक निर्णय से 12 से लेकर 13 बिलियन डॉलर्स खर्च दिए हैं ताकि आम जनता को कुछ रिस्पाइड मिले और इससे आप देखेंगे भी कि इंडिया की जो ज्यादातर स्टेट्स हैं यहाँ पर पेट्रोल के दाम सौ रूपए ऐसी नीचे पहुंच जाएंगे अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये स्टेट वाइज लिस्ट है इंडिया में कि पेट्रोल के प्राइसेस कितने चल रहे हैं स्टेट के हिसाब से बिहार में थोड़े ज़्यादा अभी एक सौ पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे लोगों को कुछ रिस्पाइट मिलेगी मगर फिर भी पेट्रोल के दाम ज़्यादा रहेंगे आसाम में सौ रुपये से कम हो जाएंगे गुजरात में कम हो जाएंगे हरियाणा हिमाचल प्रदेश झारखंड जम्मू कश्मीर कर्नाटका कर्नाटका में भी सौ के आसपास कहीं रहेगा मामला मगर पंजाब उत्तराखंड इवन डेली ये सब जो स्टेट यूनियन टेरेटरीज यहाँ पे आपको पेट्रोल के दाम सौ रुपए से कम दिखेंगे मगर हाँ यहाँ पर मैं ये मेंशन कर कि हमारी वित्त मंत्री ने भी ये साफ बात बोली है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को सबको कि ये जो हमने छूट दी है ये कॉमन मैन तक ये रिलीफ पहुँचाओ इससे अपना जो बजट है अपना जो यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम है उसको ठीक करने में मत लग जाना न इस ट्वीट के नीचे आप देखोगे एक और बहुत ही बड़ा निर्णय ये है सरकार का कि जो गैस सिलेंडर है इस पर भी दो सौ की सब्सिडी देगी सरकार ये ऑफ कोर्स दिया जाएगा उन नौ करोड़ बेनिफिशरीज़ को जो आती हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर और इससे भी सरकार को हर साल छः हज़ार एक सौ करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है तो ओवरऑल पूरे पैकेज की अगर मैं बात करूं अभी कुछ और चीज़ें भी हैं यहाँ पर वो भी काफ़ी बड़े निर्णय है सरकार ने आराम से यहाँ पर सत्रह से लेकर अट्ठारह बिलियन डॉलर ऑल टुगेदर खर्च दिए हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्योंकि देखो पेट्रोल डीजल के दाम ये कम करना बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली आम आदमी तो पेट्रोल परचेज करता है मगर पेट्रोल डीजल के दाम से ही आप अगर देखो तो बाकी चीज़ों के जो प्राइसेस हैं ये भी कम होते हैं बढ़ते हैं अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रक्स जरा चार्ज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का ब्रेड दूध सब्जियां सब कुछ अपने आप महंगी होती रहेगी और सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि देश में जो इन्फ्लेशन है इस साल ये 5.7 परसेंट से कम रहे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मगर सरकार का जो टारगेट है आरबीआई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन को काबू में रखने का ये टारगेट अभी के लिए कंट्रोल में नहीं आ पा रहा इंडिया में इन्फ्लेशन आप अगर देखो तो 7.5 के आसपास घूम रही है और हालांकि मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा ग्लोबली हम लोग हर जगह इन्फ्लेशन देख रहे हैं इन्फ्लेशन हर जगह आपको दिखेगी तुर्की में सेवेंटी परसेंट है ईरान में थर्टी फाइव परसेंट श्रीलंका में तीस परसेंट के आसपास है रशिया में 17 परसेंट से भी ऊपर है यूक्रेन पाकिस्तान में थर्टीन परसेंट से ऊपर इन्फ्लेशन है इन सब कंट्रीज़ में भी इन्फ्लेशन आप बढ़ती हुई देखोगे इवन जो डेवलप्ड कंट्री है यूएसए में आप अगर देखो इन्फ्लेशन आपको 8.30 मिलेगी इवन यूके में जो इन्फ्लेशन है ये आपको मिलेगी 9 परसेंट के आसपास तो दुनिया भर में आज के समय इन्फ्लेशन का जो मेन कारण है वो है तेल के बहुत ज़्यादा दाम कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं और अमेरिका में तो इसको काफ़ी बार बाइडन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है इसको बाइडन इन्फ्लेशन भी कहते हैं अब एक नया वर्ड इन्होंने बना दिया है बाइडन इन्फ्लेशन और बाइडन इन्फ्लेशन भी पता है क्यों बनाया है कई अमेरिकन इस बात को लेकर थोड़ा सा चिढ़ गए कि जब भी जो बाइडन से पूछो कि महंगाई चालीस साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है बाइडेन कहते हैं कि यह सब गलती है पुतिन की अगर पुतिन यूक्रेन पर अटैक ना करते वॉर स्टार्ट ना करते तो ये सब ना होता जबकि देखिए आज के समय कई जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट कई रिपोर्ट्स ये क्लेम कर चुकी हैं कि यू एस भी वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा ये भी जिस तरीके से आर्म कर रहे हैं यूक्रेन को और डॉलर छाप रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाकर बस यूक्रेन को दे रहे हैं ताकि रशियंस को और अटैक करे वॉर और ज़रा बेटर हो जाए तो इस सब की वजह से कई अमेरिकाज ने कहा है कि ये पुतिन की गलती नहीं है ये बाइडन की नीति अजीब सी थी दिस इज नॉट पुतिन इन्फ्लेशन दिस इज बाइडन इन्फ्लेशन और मैं आपको ये बता दूं, ये वॉर जितनी लंबी चलेगी आप देखोगे अभी महंगाई और बढ़ेगी दुनिया भर में कई देश अफ्रीका में एशिया में कोलैप्स कर सकते हैं या फिर कोलैप्स करने की कगार पे आ सकते हैं इंडिया के साथ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मगर हम अभी ट्रबल में हैं वी आर नॉट फाइन राइट नाउ देश के काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं स्वामीनाथन अय्यर साहब इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि हमारा हाल श्रीलंका पाकिस्तान जैसा नहीं होगा इन कंट्रीज़ का हाल अभी और बदतर होना है इन द नियर फ्यूचर मगर वी आर सर्टनली इन ट्रबल जो हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन उससे ऊपर जारी है इससे इवेंचुअली आम आदमी की जेब को चोट पहुंचेगी आम आदमी डिमांड कम क्रिएट करेगा वो परचेज़ कम करेगा मार्केट में फिर बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है ऑटो इंडस्ट्री उसके अलावा वेरियस और हमारी इंडस्ट्रीज़ है सर्विस सेक्टर है इसको भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर झेलना होगा मगर सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी कैसे आपने कभी सोचा है अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज लगता है क्योंकि आप जनरली एक बार सोच कर देखिए दुनिया भर में कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एवरीथिंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव ऐसे टाइम में कैसे भारत सरकार इंडिया की जनता को सेव करके रखेगी इससे हाउ विल दे डू इट देखिए यहाँ पर बलि चढ़ाई जाएगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अब आपको मैं एक बात बताता हूँ आप यहाँ पर देख पाओगे ये इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का ग्राफ है यहाँ पर आप देख पाएंगे 2012 के आसपास इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व रफली आप कह सकते हैं 340 350 बिलियन डॉलर के आसपास थे फिर 2014 के आसपास ये जो रिज़र्व है ये 370 380 बिलियन डॉलर का हुआ उसके बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता गया बढ़ता गया एक बार को आके हमारे पास 620, 625 बिलियन डॉलर के आसपास भी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व थी तब से हम देख रहे हैं गिरावट स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप देखोगे अभी इन द फ्यूचर और गिरावट होगी ऑलरेडी हमारे फॉरेक्स रिज़र्व 600 बिलियन डॉलर से नीचे गिर चुके हैं आज फिर से 2.6 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है ये गिरावट इन द फ्यूचर आप और देखोगे बेसिकली सरकार ज़्यादातर फॉरेक्स रिज़र्व का ही यूज़ करेगी क्योंकि ये जो हमने इकट्ठा किया था फॉरेक्स रिज़र्व स्ट्रैटेजी के अंडर इकट्ठा किया था जब दुनिया में संकट फैलेगा उस वक्त अपने पास एक अच्छा रिजर्व होगा आराम से झेल लेंगे बुरे समय को रेनी डेज निकाल लेंगे फिर उसके बाद देखिए इवेंचुअली कभी ना कभी तो वॉर खत्म होगी कभी ना कभी तो पुतिन भी ठंडे होंगे तेल के दाम वापस कंट्रोल में होंगे फिर उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार फिर से उठा लेंगे मौका आएगा और ये हमने इन द पास किया भी है दो में आप अगर देखो तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश आया था उसके बाद भी इंडिया ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया था और फिर दो तक मतलब के चार साल लग गए हमने रिक्लेम किया दो वाला स्टेटस तो एज ए कंट्री आर वेल प्रिपेयर्ड हमने सोच रखा था कल को प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डू ऑल दिस मेन अभी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि कंट्री वी कीप ऑन ग्रोइंग इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया अट्रैक्टिव रहे जो रहेगा भी और जब यह दुनिया भर में आर्थिक संकट जो खड़ा हो गया है जब यह खत्म हो जाएगा इंडिया विल इमर्ज एज ए स्ट्रांगर इकोनमी एज वेल फाइनली मैं यहाँ पर आप आपसे आप एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने रिसेंटली थर्टी बिलियन डॉलर का फंड बनाया है फूड क्राइसिस से निपटने के लिए ये यूक्रेन वॉर के बाद ये सब किया गया है तो आपको बताना ये सब किसने किया है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन सी ब्रिक्स बैंक या फिर ऑप्शन डी यूरोपियन यूनियन कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो जो लोग सही आंसर करेंगे मैं उनकी कमेंट को हार्ड दे दूंगा बाकी गूगल करोगे थर्टी बिलियन डॉलर फूड क्राइसिस तो आराम से आपको इसका आंसर वैसे भी मिल जाएगा बट इधर वे मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा कि आपको इसका सही आंसर पता लगवा दूं और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल सुबह 11 बजे है लाइव अन का टेस्ट बस अटेम्प्ट करना है मतलब लिटरली आपको लिंक पे क्लिक करना है सुबह 11 बजे उठना है और आप ढाई सौ रुपये अमेजोन गिफ्ट वाउचर में जी सकते हैं इस वाउचर को आप यूज कर सकते हो अमेजोन पे कुछ परचेज करने के लिए वेडी मच एनी यू वॉन्ट तो सिंपली जाओ यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा लिंक पे क्लिक करो अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले एन की ऐप डाउनलोड कर लेना फिर यहाँ पर क्लिक करो एनरोल नाउ पर और फिर यहाँ पर सुबह जो 11 बजे का टेस्ट है 22 मई का इसके लिए कर लेना एनरोल आपसे बेसिकली कुछ नंबर वगैरह मांगेंगे रजिस्टर कर लेना खुद को कोड मांगेंगे कोड डाल देना पीडी टैन और अपने आप साढ़े दस बजे के आसपास आपको एक अलर्ट आ जाएगा

combat on 27th of fab in which i got rank 1 and then i received this this macbook air so 11 test hoga i wish you all luck and uh, attempt the test tomorrow is thank you for listening and as always god bless you all तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म और हमने वीडियो में देखा कि लोग बहुत दिन से परेशान थे कि पेट्रोल के दाम आसमान चढ़ रहे हैं ये वो तो अब फाइनली कम हो गया पेट्रोल और डीजल के प्राइस और साथ साथ में एलपीजी का भी प्राइस कम हो गया है गुड न्यूज़ है लोगों के लिए पर 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 अ बट पर गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत सफ़र करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है जो हम एबजॉर्ब कर पाएंगे क्योंकि हमारा फॉरन रिजर्व एक लेवल तक मेनटेंड है और हमारा फ़ॉरन रिजर्व आज भी गिरा है अराउंड टू बिलियन के टू एंड टू पॉइंट फाइव बिलियन के तो आप मतलब एक बार सोच के देखो मैं ऐसे एक बात कहती हूँ कि पाकिस्तान को दो बिलियन के लिए अगर लोन चाहिए होता है तो सो तो कभी चाइना जाना होता है कभी आई जाना होता है कभी सऊदी अरब जाना होता है अभी उसका जो आई से पैकेज चल रहा था आई थिंक सिक्स बिलियन का उसको इंक्रीज़ करवा के उनको दो बिलियन एक दो बिलियन ऐड करवा उसके लिए उन्होंने आई एम कितने चक्कर काटे यहाँ इंडिया का फॉरन रिजर्व दो बिलियन गिर के कम हो गया है तो कोई बात नहीं ये फॉरेन रिजर्व पर क्यों होता है रिजर्व एक सेविंग की तरह होता है जिसको हम अपने बुरे समय में इस्तेमाल करते हैं तो आज हमारा बुरा समय है हमारा क्या पूरे वर्ल्ड में मैंने कहा ना जब भी पैंडमिक आता है ना उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं और इन्फ्लेशन उसका आफ्टर इफेक्ट है और भाई इन्फ्लेशन से नॉर्मल लोग को परेशानी ना हो नॉर्मल लोग की जेबों पे फर्क ना हो तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक बात भी कही कि भाई ऐसा नहीं हो कि स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना फ़ायदा देखें चलो कोई बात नहीं अपना रेवेन्यू अपना भर लेते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि वो इस चीज़ को कैसे लोगों को बेनिफिट देती है मैक्सिमम बेनिफिट कितना दे पाती है और भाई हम किसी तरह हमारा जो फॉरेन रिज़र्व हाई है तो हम इस शॉक को एबजॉर्ब कर लेंगे और देन और जैसा कि सर ने बताया और पहले भी हमने कुछ वीडियोस देखा था कि इंडिया के फॉरेन रिज़र्व और गिरने वाले गिरने क्यों वाले हैं क्योंकि हमें कुछ पेमेंट्स भी करनी है और उसके साथ साथ क्या और पेमेंट्स तो हमें हमें करनी ही करनी है और जो भी से इन्फ्लेशन हो गया है तो जो इम्पोर्ट बिल है वो भी हाई हो गया है भाई चीज़ों के दाम बढ़ गए वर्ल्ड वाइड बढ़ गए तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ा है। दूसरा जो रुपीज़ है जो रुपीज़ की जो वैल्यू गिर रही है तो इसको भी मेंटेन करने के लिए हम अपना फॉरेन रिजर्व का ही इस्तेमाल करते हैं जब रुपीज़ की आ, बहुत ज़्यादा गिरने लगती है तो हम अपना फॉरेन रिजर्व इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि रुपीज़ को ख़रीद लेते हैं मार्केट से जब रुपीज़ को ख़रीद लेते हैं मार्केट से तो क्या होता है रुपीज़ की जो जो सप्लाई होती है वो मार्केट में कम हो जाती है तो एक उसका प्राइस लेवल मेंटेन रहता है जब किसी चीज़ की एक्सेस सप्लाई होगी तो उसकी प्राइस धड़ाक से नीचे गिर जाएगी तो ये भी एक जुगाड़ू तरीका है जो आर या गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने रुपीज़ को कंट्रोल करने के लिए और भाई करना पड़ेगा जब रुपीज़ डाउनफॉल होगा तो भाई हमें बहुत पेमेंट करनी है हमारे इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा आएंगे और जैसे कि इस वीडियो में देखा कि भाई हमारा हाल भले पाकिस्तान या श्रीलंका की तरह ना हो पर स्टिल वी आर इन ट्रबल हम इस समय ट्रबल में हैं बट वी होप फॉर द बेस्ट कि हम इससे निकल जाए क्योंकि हमने इस चीज़ को सोच के सेविंग की थी इस चीज़ को सेविंग इन द सेंस हमने फॉरन रिजर्व इस चीज़ को सोच के बनाया था और जैसे ये टाइम बीतेगा तो इंडिया विल इमर्ज लाइक अ फिनिक्स और इंडिया बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे फिर से इंडिया अपना जो भी फॉरेन जो भी फ़ॉरन एक्सचेंज का जो स्टेटस जो पहले था वो अचीव कर लेगा पर अभी बुरा टाइम है तो भाई अपने सेविंग्स को यूज़ करो कंट्री को मेनटेन रखो लोगों को भी एट ईज पर रखो क्योंकि ये जो वॉर चलता है ना तो सिर्फ एक कंट्री अफेक्ट नहीं होती है जिस दो दो तो कंट्री में वॉर होता है वही कंट्री अफेक्ट नहीं होती क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन है थिंग्स आर तो अगर कहीं वॉर होगा तो फिर पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट होगा और जो दिख रहा है और जैसा कि सर ने भी कहा कि जब तक ये वॉर चलती रहेगी सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी और जहाँ तक बात है बाइडन इन्फ्लेशन की तो भाई आ, मैं क्या बताऊँ पता नहीं ये मुझे लगता है सबको लगता है कि यूएस यु, यु, के सबसे वीक प्रेसिडेंट में से अगर किसी को गिना जाए तो भाई जो बाइडन होंगे वो डिसीजन मेकिंग पावर इनके अंदर नहीं है वो जैसा होता है कि इंसान के अंदर डिसीजिव कैपिलिटी कैपेबिलिटीज़ वो नहीं है उनके अंदर वो डिसाइड नहीं कर पाते चीज़ों को या बहुत लेट डिसीजन लेते जिसकी वजह से बहुत कुछ अफेक्ट होता है अमेरिका भी क्या कर रहा है कुछ नहीं अगर भाई इनको हेल्प करना है यूक्रेन को डायरेक्टली तो हेल्प करे ना वो डायरेक्टली हेल्प भी नहीं करेंगे और बस वो कंडेम करेंगे और वो इंडिया को भी चाहेंगे कंडेम भाई इंडिया तो भाई इंडिया भी कंडेम कर रशिया को वो यूक्रेन को हेल्प करिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं देखिए खुल के तो वो भी नहीं आए खुल के तो यूरोपियन कंट्रीज भी नहीं आए कोई नहीं बस ये कि हम वॉर ख़त्म तो हम भी चाहते हैं वॉर ख़त्म होना भाई वो तो उनके इतने अलायंस थे भाई वो नाटो के मेंबर बनना चाहते थे भाई वो नाटो कंट्रीज़ उनके सपोर्ट में नहीं आए जो नाटो कंट्रीज जो उनके मेंबर बनने के लिए यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हुई वो उनके मेंबर बनने नहीं आए भाई सिंपल बात है जब हम परेशानी होंगे जब हमें दिक्कत होगी तो उस समय कोई नहीं आएगा इंडिया को अपना सेल्फ रिलायंट बनना है आत्मनिर्भर भारत आज की ज़रूरत है और हमें बनना पड़ेगा क्योंकि जब भी आपको परेशानी होगी जब गलवान वैली हुआ तो कौन आया था और आगे चल के कोई दिक्कत होगी तो कोई नहीं आएगा हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते और अमेरिका पे तो बिल्कुल नहीं क्योंकि अमेरिका का हिस्ट्री जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो चेंज होता है वो आज हमारे पल्ले में कल किसी और के पर बस हमारा नेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए जैसा हमारा इंटरेस्ट है उस हिसाब से हम काम करेंगे तो आई होप कि हमारा जो ये टाइम है और uh, ये सारा कुछ रिकवर हो जाए जल्दी से वॉर एंड हो जाए इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए ग्लोबली सब कुछ कंट्रोल हो जाए तो फिर uh, सारी चीज़ें भी सही हो जाएंगी और हमारे फॉरेन रिजर्व भी धीरे 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 अप हो जाएंगे एंड फॉर द टाइम बीइंग भाई पेट्रोल और डीजल के प्राइस सस्ते हुए हैं जो भी कंप्लेन करते तो उनके लिए वो इंजॉय कर सकते हैं थोड़ा सा रिलीफ उनके लिए है देखो चीज़ें रिलेटेड होती है ना जब पेट्रोल डीजल के प्राइस ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा बढ़ेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा जब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा तो गुड्स के प्राइस महंगे होंगे जब चीज़ों के दाम भाई आप उतने पैसे में जितनी पहली चीज़ खरीदते थे तो उससे कम अमाउंट में चीज़ें खरीद पा रहे हो तो फिर उस तरह से भी मार्केट में चीज़ें दिक्कत होंगी मार्केट में अब लोगों के पास उतना पैसा नहीं होगा तो कई तरह की स्टेटस ऑफ लिविंग डिग्रेड होगी कई तरह की दिक्कतें आती है अनरेस्ट फैलता है सोसाइटी में जब लोग को फ्रस्ट्रेशन होती है जब ज़्यादा महंगाई बढ़ती है चीज़ों को और बहुत लंबे समय से झेलते हैं तो उनके अंदर अनरेस्ट राइट्स कई तरह की चीज़ें होती हैं ये सब इसके आफ्टर इफेक्ट है तो धीरे 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 जैसे जैसे वॉर शांत होगा आप देखेंगे ये सब चीज़ें अपने अपने अंदर पेस पर पे हो जाएंगी तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए आज की वीडियो में इतना ही अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय टेक केयर